Hello students, in this video we are going to talk about the past continuous tense and this is our 12th number video. So what is past continuous tense? देखिए past continuous tense क्या होता है. इस tense में only उन actions के बारे में हम discussion करते हैं जो past में एक particular time पर continue रहे होंगे और उनका अब present से कोई relation नहीं होता है. उन एक्शंस के बारे में हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर. यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक्शन का कंटिन्यू फॉर्म में होना जरूरी होता है. आइडेंटिफिकेशन कैसे रहेगी इसकी? अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपको आइडेंटिफिकेशन देखनी है और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में और उस हिंदी के सेंटेंस की अगर एंडिंग कुछ इस स्ट्रक्चर के साथ हुई हो जहाँ पर रह के साथ थ का कॉम्बिनेशन अगर गिवन हो तो वो हिंदी वाला सेंटेंस जिसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना या ट्रांसलेशन उसका करना हमें इंग्लिश में, तो वहाँ पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा. इसके अलावा अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस इन विच यू हैव वोज अदरवाइज वर एंड विथ वोज एंड वर वर्ब फोर्थ फॉर्म, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वोज के साथ फोर्थ फॉर्म या फिर वर के साथ फोर्थ फॉर्म गिवन हो तो वो सेंटेंस पे आपका पास कॉन्टिन्यूस टेंस का रहेगा. यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेंटेंसेस की. तो फर्स्ट अपना जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर अपने को बनाना होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वो बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा जैसा अब तक हम बनाते आए हैं. ठीक है, ये एक बेसिक जो स्ट्रक्चर हो गया वो है. अब यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो या तो आपकी वर्ब होगी वोज या फिर वो यूज होगी वर. अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सी वर्ब को अपने को यूज करना है. ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब HV. इनके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो मेन वर्ब भी होगी और मेन वर्ब के आपको यूज करना होता है फोर्थ फॉर्म. अब फोर्थ फॉर्म तो वोज और वर दोनों के साथ आपको यूज करना है, बट विच हेल्पिंग वर्ब शुड बी यूज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट. सो वॉट इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट? इफ द गिवन सब्जेक्ट बिलोंग्स टू सिंगुलर देन we choose was, otherwise if the given subject is plural in number then we choose were. Let's have an example. See, he. I put the subject he. यहाँ पर मैंने subject जो put किया है वो he है और he as a pronoun singular subject है. तो यहाँ पर वोज और वर में से मेरे को चूज करना होगा वोज का. ओके, नाउ ही वोज, देन इफ आई कंटिन्यू द सेंटेंस देन आई यूज मेन ऑफ फोर्थ फॉर्म. ही वोज रीडिंग, हियर आई यूज रीड एज अ मेन वर्ब. टू मेक इट्स फोर्थ फॉर्म आई एड ING एंड इट इज रीडिंग. ही वोज रीडिंग अ बुक. ओके, इफ द गिवन सब्जेक्ट इज प्लूरल बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. इफ द गिवन सब्जेक्ट इज प्लूरल सच एज बॉयज देन आई यूज वर. टू मेक इट्स नेगेटिव सेंटेंस आई यूज नॉट इन द गिवन स्ट्रक्चर. To write the negative sentence, I choose, otherwise I use not in the given sentence. And what will be the structure? Subject, then helping verb, then NOT not, then I use main verb fourth form and the remaining part of the sentence. If I write the same sentence into negative, then I write he, then helping verb was, then to write the negative sentence I write not after the helping verb,
देन आई राइट रीडिंग ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. इफ़ यू राइट विथ प्लूरल सब्जेक्ट इन नंबर देन यूज वर बॉयज वर देन नॉट रीडिंग अ बुक. ओके, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना. जो भी अपना अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है बस उस सेंटेंस के अंदर आपको नॉट का यूज करना है. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी यूज नॉट ऑलवेज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. सो दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस. इफ यू वॉन्ट टू राइट द इंटरोगेटिव सेंटेंस देन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी स्टार्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी स्टार्ट द सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब. अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज डब्ल्यू एच वर्ड अदरवाइज हाउ, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द केस इन विच वी स्टार्ट द इंटरोगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब. सो हेल्पिंग वर्ब हमने राइट किया, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क. अगर उसी सेंटेंस का जो हमने अफर्मेटिव टू नेगेटिव हमने चेंज किया था, अगर उसी का हम इंटरोगेटिव में चेंज करें, तो देखिए फर्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी वोज, और ये जो वोज यूज हुआ था ये यूज हुआ था सब्जेक्ट ही के कॉम्बिनेशन में. तो वोज ही एंड वर्ब रीडिंग अ बुक देन आई यूज क्वेश्चन मार्क. इफ द गिवन सब्जेक्ट इज प्लूरल देयर इन द आवर प्रीवियस एग्जाम्पल्स इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वी रॉट बॉयज, सो हियर आई यूज वर बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड क्वेश्चन मार्क. इफ यू वॉन्ट टू राइट अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन यूज सेम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव, देन राइट एनोटी नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, then object, then question mark. Okay, so if I write the same example in negative interrogative sentence, then I use not after the subject. So was he not reading a book, then question mark, and with the plural subject were boys not playing in the ground. So this is your past continuous tense, how you can identify the sentence whether it is in Hindi structure or in English structure. If the given sentence in English, then find the was otherwise were as a helping verb with main verb fourth form. If the given sentence is in Hindi structure, then find the at the end of the sentence रह plus th at the end of the sentence. Okay, आपको ये find करना है रह plus th sentence के ending में. इसके अलावा सेंटेंस के स्ट्रक्चर की हमने बात की, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं वो चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस की गई है.